नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज राजपूत सभा द्वारा महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति का पंच तत्व से स्नान करवाया। देखिए आज यहाँ पर हमारे पूरी युवा राज सभा भाई तन्नी स्नान कराने के लिए आई है और महाराजा हरि सिंह के पर जैसे ही वो पांच तत्वों से बना हुआ स्नान कराया गया तो ऊपर इंद्रदेव भी खुश होकर बारिश की फुहार यहाँ पर बहने लगी है। तो हमारा जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को यही संदेश है कि महाराज हरि सिंह की जयंती को बड़ा धूमधाम से मनाया जाए और इस दिन पे अगर गवर्नर साहब चाहें तो छुट्टी दे सकते हैं, वरना युवा राजपूत सभा का जो आंदोलन है ऐसे चलता रहेगा। कल का क्या क्या फंक्शन रहेगा, कहां कहां से रैली? हम लोगों का परसों 23 सितंबर को बंद तालाब से 10 बजे से वहां शुरू करेंगे और कोशिश है कि 1-1.30 बजे यहां तक पहुंच जाएं और जम्मू के सब नौजवानों से और खासकर नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, माताएं बहनें सबसे अपील है कि वो यहां पर आकर महाराजा हरि सिंह की जयंती को अपने सच्ची श्रद्धांजलि दें और ये हमारी उनसे कृपा होगी, कोशिश होगी कि सब लोग यहां पर पहुंचे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट पीडीपी महबूबा मुफ्ती के पीर पंचाल दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील नौशहरा में कम ही लोग दिखे उनके जलसे में। अगर पिछले बीते के इस समय की बात करें तो पीडीपी की एक भव्य रैली होती थी नौशहरा में, कहीं ना कहीं पीडीपी के एक्स एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का पार्टी छोड़ने के बाद एक अलग ही प्रभाव पड़ा है और लोगों ने भी इस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आइए दिखाते हैं कुछ दृश्य पीडीपी के जलसे के दौरान के। पीडीपी के वर्कर्स खाली कुर्सियों को समेटने की कोशिश में लगे हुए थे लेकिन वो कोशिश करती हुई तस्वीरें आई सामने। मैडम महबूबाली मुफ्ती मीडिया को कैसे रोक सकते हो आप? नहीं रोक रहा हूँ, बनाओ आप। नहीं नहीं, अब बंदे नहीं आए, हमारी गलती थोड़ी उसमें। शुक्रिया अदा कर रहा मैडम, आज इस इलाके में पूरा सैलाब टूटना सी, बड़े मुश्किल नाल इन्हां लोकां नूं रोकिया गया क्योंकि अज एक वर्कर मीटिंग सी, लोगों ने कार जाके लोग रोके। पीएचई डेलीवेजर्स द्वारा जम्मू के पीएचई ऑफिस के बाहर किया गया जोरदार प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए 8 बजे तक का टाइम दिया और कहा गया या तो हमें पक्का किया जाए या तो हमें निकाल दिया जाए। डेली वेजर ताली मोड़ से मुझे 20-25 मतलब साल हो गया डेली वेजर, अभी तक तो कोई रेगुलेशन पॉलिसी बनी नहीं, 20-25 साल से ऐसे ही दर बदर हैं, हैंडीकैप हूँ, बच्चे हैं दो, तो गवर्नमेंट कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम पढ़ाएंगे कैसे? अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमें बेजिस नहीं मिलेगा, हमें पक्का नहीं करेगी, तो हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर कैसे दे सकेंगे? ऐसे ही नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, डेली वेजर 60,000 डेली वेजर है क्या, उनकी बेटियां बाल बच्चे नहीं हैं? उधमपुर शिवगढ़ धार पत्नी टॉप में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा, वही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और इस घटना में 3 लोग बुरी तरह हुए घायल और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
गांदरबल में सेना द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत युवाओं के लिए फन फॉर रन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इसी में युवा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान अंडर 14-18 ईयर्स के बच्चों में रनिंग कॉम्पिटिशन भी करवाए गए और अच्छी कारकर्दगी करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। एकदम ऐसे ही रखना और अपना ये रुमाल थोड़ा सही कर ले। वो अंडर 14 बच्चे वो दौड़ेंगे, ठीक है सर। थोड़ा पीछे जा अक्षय और हरजीत और वो गो सर, पहले आगे रेडी हो। 1 2 3 गो। शाबाश शाबाश, बहुत जबरदस्त है, शाबाश। देखो क्या देखो, इन्होंने पुल्स में लिया 16 मिनट 10 सेकंड। द्वितीय स्थान पे, धन्यवाद सर। मेरा नाम है हुमैरा जान, मैं आर्मी स्कूल में पढ़ती हूँ और जो आज इवेंट हो रहा है ये 34 आसाम राइफल जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार है कि वो हमें ये इवेंट्स में आने का मौका देते हैं और खासकर गर्ल्स को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और इससे जो है हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होते रहे जिसमें गर्ल्स को भी मौका मिले आगे बढ़ने का। सो या था जी, मेरा नाम आयका जावेद है और यहाँ पे आज आर्मी ने किया है ये इवेंट ऑर्गेनाइज। मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज ये किया और हम गर्ल्स को भी कुछ मौका मिल रहा है करने का। जी, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये भी कहना चाहूँगी कि आप भी कीजिए इन इवेंट्स में और ये पार्टिसिपेट, तो ऐसे अच्छा रहेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम शायद बहुत माग्रह हैं जो ये आसाम रफेल्स के थ्रू जो रेस हुई थी, मैं बहुत खुश हुआ। तो इस तरफ जो यूथ हमारे हैं वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे और मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसाम रफेल्स का कि उन्होंने ये इवेंट कराया। तो ऐसे अगर हफ्ते में नहीं तो कम से कम एक मंथ में एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरह वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें ताकि वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे। मेरा नाम फारूक अहमद है और जो मैंने आज यहाँ इवेंट सेकंड पोजीशन हासिल की इसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि ऐसी इवेंट यहाँ पे 30 आसाम राइफल्स ये ऐसी इवेंट करनी चाहिए जिसमें रेस में और यूथ ड्रग में इन्वॉल्व ना हो जाए
और उस हिसाब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे रन एंड फन का ये जो प्रोग्राम है ये होना चाहिए, इसमें एक यूथ को पता चलता है कि हमें क्या आगे क्या करना है। मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि हर काल को यूथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे, रेस में इन्वॉल्व रहे, क्योंकि एक इंसान को फिजिकली मेंटली गुड रहने के लिए इवेंट ये स्पोर्ट्स का गेम्स का रहना जरूरी है। गांधीनगर जम्मू गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। मिट्टी किसी को नहीं जा सकी, फिर इक्को ही रस्ता जिन्हां नूं ये पता होएगा कि सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर नूं कतल किया गया तो असी उस कमेटी नूं हथिया लीए, तो मैं समझदा कि ये हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। मैं इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन नूं बेनती करदा कि मैं एक प्रचारक हाँ, मैं कीर्तनिया हाँ, मैं हमेशा समाज नूं जोड़न वाली गल कीती है। असी गुरु नानक साहब दे सिद्धांत मुताबक भगत कबीर जी दे शब्द है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ये सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर साहब का जदों कतल होया उस विच जदों रात नूं पता लग्या, दास अते पंथ दर्दी वीर असी राती सारे दिल्ली गए हाँ, उस तो बाद घर भी असी नाल प्रोग्राम निभाया। मैनू पहले ही, मैं आज मीडिया विच ओपन ये गल कह रहा हाँ, हुण एडमिनिस्ट्रेशन इस गल ते अगर कोई कार्रवाई ना करे वो जिम्मेवार होए। श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, एक व्यक्ति से भारी मात्रा में ड्रग्स किए गए बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील मंजाकोट हाई सेकेंडरी स्कूल में अंडर 17 गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा इस पर जेके न्यूज़ ब्रेक संवाददाता गुलाम मुस्तफा खान की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम तानी शर्मा है और आज मैं जेके न्यूज़ ब्रेक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आए यहाँ पर इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, और हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट का जिन्हें हमें यहाँ आज खेलने का मौका दिया है। और आज हम यहाँ अंडर 17 में खेलने आए, खो खो वॉलीबॉल कबड्डी खेलने आए, और हम इंटर स्कूल खेलने आए, और यहाँ से भी अच्छा खेलेंगे हम और जीत के इंटर जून जोरी में खेलने जाएंगे। और हमारी टीम यहाँ पर, हमें सर सगीर सर का जो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्हें हमें स्कूल से हमें इतने दिन प्रैक्टिस देते रहें, और हम आगे जाके इंटर जून में भी अच्छा खेलेंगे। थैंक यू। गर्ल्स वॉलीबॉल खो खो कबड्डी, अंडर 14 गर्ल्स वॉलीबॉल खो खो कबड्डी, ये सेशन आज का हमारा, जैसे कल हमारा हुआ वॉलीबॉल बॉयज सेक्शन का तीनों ग्रुप में हुआ, उसी तरह आज हमारा इंटर स्कूल जोन मंजाकोट का अंडर 14 17 दोनों ग्रुप का आज चल रहा है, इसमें हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले कबल हमने अंडर 19 तीनों ग्रुप में करवाया, इसी तरह बाद में हमने कल बॉयज का करवाया 17-14 का, आज हमारा 14 और 17 ग्रुप गर्ल्स का हो रहा है। इस वजह से हमने एक टीम हर ग्रुप इवेंट की गेम की सेट करके इंटर जोनल जोरी में ले जाएंगे, जो हमारा 23 और 24 तारीख को होने जा रहा है। उससे पहले हमने अंडर 19 में हम जोन में चैंपियनशिप हमारी ओवरऑल रही, इसमें हमने गर्ल्स सेक्शन में हमने फाइनल जीता, वॉलीबॉल में जीता, कबड्डी में जीता और खो खो में जीता। इसी तरह बॉयज़ में हमने वॉलीबॉल में हमने खो खो और वॉलीबॉल और कबड्डी में हमने रनर और विनर रहे। इसी तरह मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये मेरे बच्चे जो जोन मंजाकोट के 17 और 14 ग्रुप में इंटर जोन जोरी 23 और 24 को जाएंगे, तो पूरी उम्मीद है मुझे कि हम इसमें भी हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट से चैंपियनशिप जीत के लाएंगे। तो मेरा स्टाफ, जो फील्ड स्टाफ है मेरा, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे कॉपरेट किया, खासकर मेरे ऋषि साहब मेरे साथ, जो बाकी हमारे पी एम हैं, पी डीज हैं, आई के हैं, एन वाई सी फील्ड स्टाफ जितना दिया, बहुत अच्छा कॉपरेट किया। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते नेहरू युवा केंद्र अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एवं राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं इस रैली को एसडी सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, वही मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। जो कुछ दिन पहले हमें छोड़ के चले गए,
और वो एक बहुत बड़ा टॉल लीडर था जिसका नाम था त्रिलोचन सिंह वजीर, जो हमेशा भाईचारा का संदेश लेके चले और शाना बशाना जम्मू के जितने भी मामले थे, जम्मू के हित के, लोगों के, गरीबों के मामले सब वो उठाते थे। और जम्मू की आवाम को मैं एक बार फिर याद कराना चाहता हूँ कि 2015 में जब एज चैम्बर प्रेसिडेंट मैंने एम्स की लड़ाई शुरू की, वो मुमकिन नहीं थी, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर्स हमारा साथ न देते और त्रिलोचन सिंह वजीर जी उस वक्त हमारे साथ खड़े ना होते तो आज शायद जम्मू को एम्स ना मिलता। तो आज के विषय पे आते हुए, क्योंकि हम दवाओं के ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कस्टमर खुद भी हैं। आज हमने एक चार्ट यहाँ पे जिसका एविडेंस है हमारे पास डिफरेंस इन प्राइसेस, वो हमने चार्ट लिखा है अपने प्रेस नोट में कि कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग अलग दुकानदारों को, अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, अलग अलग डॉक्टर्स को और प्राइवेट नर्सिंग होम्स को अलग अलग रेट देते हैं, लेकिन MRP सेम है। इतना ज़्यादा मार्जिन अलाउ करना, छोटे और बड़े के बीच में उन्होंने जो भेदभाव रखा है, ये हमने ज़रे गौर लाया है आज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील की है कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और इस पर निर्देश जारी करें। साथ ही हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील की है कि जहां आपने हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत जैसे इतने अच्छे इनिशिएटिव शुरू किए, शायद ये चीज़ आपके नज़र में नहीं आई कि आपकी नाक के नीचे आपकी भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट जो परमिशन देता है MRPs का, वही उनके साथ सांठ गांठ करके आम पब्लिक को लूट रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन होगा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों या चेन्स हों या कोई भी हो। अगर इतना मार्जिन है मैन्युफैक्चरर्स को, उसको उसकी MRP कम करें, क्योंकि इस प्राइस वॉर के में कितनी नकली दवाइयां मार्केट में आएंगी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थैंक यू वेरी मच। जेकेएचसी भारत जम्मू चैम्बर ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जम्मू बंद कॉल का किया गया समर्थन। हिस्ट्री के बारे में सबको नॉलेज है, बार एसोसिएशन एक इलेक्टेड बॉडी है जिसमें हमारे पूरे जम्मू सूबा के वकला साहिबान जो हैं वो वोट डालते हैं और बॉडी को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन के बाद एक तो हमारी मेन जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, इसके वेलफेयर के लिए हमें फाइट करना है। साइमल्टेनियसली अगर पब्लिक का इशू कोई हमारे पास आए तो हम उन इश्यूज को भी कंसिडर करते हैं। पिछले दिनों दो चार दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनके ऑफिस बीरर्स हमें मिलने आए थे, यहीं वो बैठे थे। उन्होंने हमसे कुछ इश्यूज डिस्कस किए, उनमें हमारे इश्यूज भी हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन वर्क है वो भी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मसला है, जज साहिबान वहाँ कम है, आप सबको इन चीज़ों का नॉलेज है। तो क्योंकि ये इश्यूज़ पब्लिक के साथ रिलेटेड हैं और चैम्बर ने पब्लिक के इश्यूज़ रेज किए हैं और हमसे सपोर्ट मांगी है, एजुटेशन वो कर रहे हैं, हमें उन्होंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, पॉलिटिकल पार्टी सबसे उन्होंने सपोर्ट मांगी है। तो हम भी बार एसोसिएशन आपके थ्रू ये पब्लिक को और जम्मू सूबे के लोगों को, अपना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम भी आपका साथ देंगे जहां जब तक ये इश्यूज पब्लिक रिलेटेड इशू रहेगा। फॉर्मर मिनिस्टर प्रेसिडेंट PDP महबूबा मुफ्ती द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। उससे वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, कोई सुनता नहीं है। उनके रिलीफ का मामला, एक महीने से उनको रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह जगह जगह पे ट्राइबल्स जो जमीनें खाली करवा रहे, एक तरफ से कहते हैं हमने फॉरेस्ट एक्ट लाया, दूसरी तरफ से जिनको 60-70 साल भी हो गए हैं, मकान बने हुए उनको खदेड़ रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि इनका मकसद क्या, ये करना क्या चाहते हैं असल में, ये इस रियासत में असल आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इनके पास लगता है कि कोई जो एक पॉलिसी, एक विजन होता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें या वाजपेयी जी की बात करें, उनका एक क्लियर विजन था कि हमने क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है जम्मू कश्मीर के साथ, इकोनॉमिकली क्या करना है और इमोशनली क्या करना है। मगर आज की जो सरकार है इसका कोई विजन नहीं है, डिवाइड एंड रूल। इनका विजन इतना ही है कि किस तरह हम लोगों को आपस में लड़ाएं और वोट हासिल करें
और जम्मू कश्मीर को बाहर की रियासतों में जाके इनको भेजें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, यानी शक इतना बढ़ गया है पहले से ज्यादा कि जिसका कोई इंसाफ ही नहीं है। जम्मू के बारे में, खासकर जम्मू प्रोविंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी स्टेट जिसको उस वक्त के महाराजा ने जब मुल्क के हवाले किया तो ये एक स्टेट कॉन्टिनेंट के बराबर थी। आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो हमारे एक रीजन के बराबर भी नहीं है, और हमारी स्टेट उस वक्त जिस वक्त हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया तो पूरा एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट के बराबर रही है। और उस वक्त के जो डोगरा महाराजा थे उन्होंने इस मुल्क को नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। तब तक नॉर्दर्न बॉर्डर नहीं था हमारी कंट्री के पास, पूरा एक नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। मगर बदकिस्मती अब ये है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर लद्दाख उसको डाउनग्रेड करके उसके टुकड़े कर दिए गए। जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को बिल्कुल अलग अलग डाल दिया। और जम्मू, खासकर जम्मू जो विच हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट, अलग अलग मजहब, अलग अलग जो एथनिसिटीज हैं, कल्चर्स हैं, उसका गहवारा रहा है जम्मू। और अपनी अपनी आइडेंटिटीज मेंटेन, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप जम्मू में कहीं भी गुजरते हो कोई मार्केट से, तो आपको जम्मू एक वाहिद जगह है पूरे मुल्क के अंदर जहाँ आपको हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, गोजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये कहीं नजारा नहीं मिलेगा। पहले होता था कश्मीर में मगर अब नहीं है, सिर्फ जम्मू में मिलता है। और कहीं ना कहीं इसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर जम्मू के लोग कश्मीर के साथ मिल के एक आवाज में बात नहीं करेंगे तो खतरा ये है कि मिट जाएंगे, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज मैं पिछले 2-4 दिन से जम्मू में भी हूँ। कांग्रेस द्वारा भी चैंबर ऑफ फर्म्स का 22 तारीख को जम्मू बंद रखने के फैसले का किया गया समर्थन। जो आज तक देश की संपत्ति थी और देश का उनके ऊपर कंट्रोल था, आज चंद ठेकेदार और चंद प्राइवेट लोगों के हाथ में उनका ठेकेदार आ जाएगा, उसका आम शहरी आम आदमी पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एक तो मुद्दा जो है इसके ऊपर हम जो है वो पूरा समर्थन जो है वो चैम्बर का कर रहे हैं और कल के बंद का आह्वान का पूरा समर्थन करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर की जो प्रभारी रजनी पाटिल जी, जो काफ़ी अच्छे से यहाँ आप देख रहे हैं बहुत एक्टिवली उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जहाँ संभाला, उनको महाराष्ट्र के कोटे से कल पार्टी ने मनोनीत किया राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, और 22 इलेक्शन की सीट थी, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं पार्टी हाईकमान का। उससे कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में और बल मिलेगा कि वो राज्यसभा की, पहले भी वो MP रही हैं, लोकसभा की MP रही हैं और फिर राज्यसभा में होंगी, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के वर्कर्स को उनका साथ गाइडेंस रहेगा, उससे फ़ायदा होगा। हम इसका भी स्वागत करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। और हमारे बीच में श्री मूलाराम जी हमारे सबका मंत्री और नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश का, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और सबका मंत्री कांता बान जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे करण भगत जी शेड्यूल कास्ट सेल के चेयरमैन हैं, सुरेश डोगरा जी OBC डिपार्टमेंट। गंभीर मुद्दा जो है वो सामने है कि जम्मू ट्रेडर्स ने, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है वो आर्थिक नीतियों पे और जो BJP की नई पॉलिसी सामने आई है उसके विरोध में कल जम्मू बंद का आह्वान किया है। उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी को भी रिक्वेस्ट आई है। हम तो बहुत सी जन विरोधी जो नीतियां हैं भाजपा की पिछले 7 साल से उनका विरोध करते आए हैं, और नोटबंदी से लेकर के हम तो ये मानते हैं कि भाजपा की जो आर्थिक नीतियां हैं वो सारे देश के सामने हैं कि -23% तक GDP इस देश की पहुंची, बेरोज़गारी बढ़ी, हर वर्ग को नुकसान हुआ, महंगाई की बहुत बड़ी भरमार है, आम आदमी तरह तरह कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने
सड़कों से लेकर संसद तक इन चीज़ों का विरोध करती आई है और लोगों को ये बताती आई है कि ये इसका हर वर्ग के हर आदमी पे, व्यापारी से लेके मजदूर तक, किसान से लेके अनएम्प्लॉयड तक, ये चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं। और आज उसकी हीट, आज उसका नुकसान जो है व्यापारी वर्ग भी महसूस कर रहा है। और कल तक वो समर्थन करते थे, शायद उनको पता नहीं था कि इनके नतायज क्या होंगे, और आज उनको ये महसूस हो रहा है कि ये हर वर्ग का न्यौला जो है वो उनकी रोजी रोटी छीनने पे तुले हैं। चंद ही बड़े व्यापारी देश के अंदर, रानी अंबानी जैसे लोग जो हैं, वो इस देश की सारी संपत्ति और सारे रोजगार के मालिक हो जाएं, और आम जो व्यापारी है, छोटा वर्ग का, गरीब मध्यम वर्ग का व्यापारी जो है, जैसे कि पहले देखा गया कि जहाँ जो व्यापार थे, चाहे वो माइनिंग का था, लिक्विड ट्रेड का था या और भी ट्रेड थे, वो कुछ चंद हाथों में चले गए। उस वक्त भी हमने कहा था, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। आज आम आदमी महसूस करता है कि जम्मू कश्मीर को, जम्मू सूबे को हमें आर्थिक नीतियों से क्या नुकसान हो रहा है, हमारे स्टेट का दर्जा टूटने से क्या नुकसान। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK News।